अस्सलामुअलैकुम, ये है जी हमारा सुपर डीसी चाइना का फ़ैन और ये ना ख़राब हो चुका है, तो आज हम इसको ना रिपेयर करने का तरीका सीखेंगे। मेरे भाइयों, अगर आपके घरों भी चाइना के फैंस लगे हुए हैं सुपर वाले, तो आप देख लें इसको और इस तरह से आप खुद ही घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है रिपेयर करना, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इसको देख लें, गौर करें, अच्छी तरह देख लें और ख़ुद इसको ठीक कर लें। पहले फ़ैन को खोलने का तरीका देख लें, कैसे खोलना है इसको। ऐसे मेरे भाइयों इसको खोल लें। गया है, अब हम इसकी अंदर से मोटर निकालेंगे। कुछ फैंस आते हैं जिनके ना चिप सुपर लगी होती हैं, लेकिन ये जो सुपर वाला फ़ैन है इसकी चिप मोटर के अंदर लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है दूसरे पंखे से। उनकी चिप तो बाहर होती है और उसको पंखे के साथ अटैच करना आसान होता है। तो ये सुपर फैन है, इसको सारा खोलना पड़ेगा तो तभी इसकी चिप जो है निकलेगी। तो मेरे भाइयों ये देखें, अब हम इसकी चिप को निकालेंगे, तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि वो कैसे निकलेगी। तो फिर हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि न्यू चिप ला के शहर से, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पंखा ठीक हो जाएगा। तो हमारा पंखा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे भाइयों। ये पंखे जो डीसी फैंस हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी मोटर जलती नहीं है। जब भी मसला बनता है इनकी चिप्स में मसला बनता है, तो आप उस चिप को बस तब्दील कर दें तो हमारा पंखा जो है वो सही चलने लग जाता है। ये देखें, इस तरह से आप इसको खोल लें। ये है इसका ऊपर वाला कवर और ये भाइयों निकली है इसमें से मोटर, और ये इसका नीचे वाला कवर। और भाइयों ये देखो, ये मेरे भाइयों ये देखो, ये जो चिप है ना, ये चिप हमारी जल गई है, ये वाली, ये देखो इसके ये कंडेंसर जल गए हैं। तो ये कंडेंसर तो तब्दील नहीं होंगे, हमें ये मुकम्मल चिप जो है वो तब्दील करना पड़ेगी। तो इस चिप को हम निकाल देंगे और इसकी